24 मैं हूं नूपुर सिंह और वक्त हो गया है आज की ताज़तरीन खबरों का। आज है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। हर साल 3 मई को यह मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का जश्न मनाना, मीडिया का मूल्यांकन करना और हमलों से उसकी रक्षा करना और साथ ही कर्तव्यों के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी चायबासा, पलामू और लोहरदगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज दोपहर 3 बजे चायबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, जहां राहुल आज इसको लेकर नामांकन कर सकते हैं। बता दें कि गुरुवार को अमेठी पहुंचे सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि गांधी परिवार का ही सदस्य यहां से चुनाव लड़ेगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्पात शुल्क नीति से जुड़े ईडी और सीबीआई मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किए हैं। बता दें कि इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई आज होनी है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सरगुजा की सूरजपुर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि नड्डा की विशाल जनसभा 4 मई यानी कल सूरजपुर में आयोजित होगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हालांकि सुनवाई पूरी नहीं हुई थी, जिसको लेकर कोर्ट अब मामले की सुनवाई आज करेगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल के गांव मुजाहिदपुर स्थित कैला देवी धाम पर जनसभा कर सकते हैं। बता दें कि सीएम के इस संभावित दौरे को देखते हुए व्यवस्थाएं देखी गई हैं। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी छिड़का देता है। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो प्रस्तावित हो गया है, जहां प्रियंका इंडी गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के साथ फतेहाबाद में रोड शो करेंगी और लोगों से कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील करेंगी। लोकसभा चुनाव में यूपी की सबसे हॉट सीट पर भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली लोकसभा सीट से दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस अभी इस सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ में दिनदहाड़े बदमाशों ने मामूली विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी, जहां मामला लहरी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 काशी तकिया मोहल्ले का है। दिल्ली में एक सरकारी स्कूल के बाहर लंच के दौरान कुछ छात्राओं में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक लड़की के चेहरे पर दूसरे ने ब्लेड से वार कर लहूलुहान कर दिया। लड़की के चेहरे पर 17 टाके लगाने पड़े हैं। वहीं पुलिस इस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच में जुट गई है। मुक्तसर में पुलिस ने अर्श डल्ला गिरोह के 4 साथियों को अरेस्ट कर लिया है। आरोपितों में एक किशोर भी शामिल है। आरोपित मुक्तसर ने नामी लोगों के मोबाइल नंबर व अन्य डिटेल्स जुटाकर गैंगस्टर अर्श डल्ला को भेजते थे। हरियाणा के गांजा तस्कर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पकड़े गए। बता दें कि 2 तस्कर उड़ीसा से गांजा को सड़क मार्ग से रायपुर लाए, रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वहीं गांजा को ट्रेन से दिल्ली ले जाने की कोशिश नाकाम रही। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चंद दिनों से शुरू होने वाली है। इसके अलावा कुछ महीने बाद मानसून भी दस्तक देने वाला है, लिहाजा अभी से ही सभी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। इसी के तहत देहरादून और हरिद्वार में आपदा का मॉक ड्रिल किया गया। इसमें रेस्क्यू टीम के रेस्पॉन्स टाइम से लेकर तैयारियों को परखा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उड़ीसा की मयूरभंज लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। मयूरभंज से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की बहन अंजनी सोरेन जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले स्थित छोटे डोंगर के प्रख्यात वैद्यराज हेमचंद मांझी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पर छत्तीसगढ़ मानव अधिकार GGF संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष GS चौहान और प्रदेश कोषाध्यक्ष विभा चौहान ने उनके घर पहुंचकर शुभकामनाएं दी।
कांग्रेस से बीजेपी में आते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की श्रीमंत की छवि बदल गई है और वह केसरिया रंग में रंग गए हैं। राजघराने की छवि से बाहर आकर वह आम जनता और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हैं। गुना शिवपुरी से चुनावी रण में कूद सिंधिया को अब तक कांग्रेस भूल नहीं पाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि राज्य की महिलाओं को लाडली बहन योजना की राशि मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि 5 नहीं 4 तारीख को पैसे खाते में आएंगे। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में आतंकियों के साथ लड़ते हुए बलिदान हुए वीडीजी को जम्मू कश्मीर पुलिस उसके परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। इसके अलावा उनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर भाजपा बंगाल में लोकसभा चुनाव में खेल खेल रही है। भीषण गर्मी में लोगों के साथ मजाक हो रहा है। चेन्नई में 40 सीट पर एक ही दिन में चुनाव हो गया है। हमारे यहाँ 42 सीट है और 7 चरण में चुनाव हो रहा है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में माल एवं सेवा कर के जरिए जनता को लूटा है और सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर देश को बर्बाद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए इन दोनों गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच रिश्ते का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप उजागर हो गई है। राजस्थान के धौलपुर में गुरुवार को बाड़ी कस्बे में मकान बनाते समय एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि बाड़ी कस्बे में 3 मंजिल मकान की छत का काम चल रहा था, तभी उसमें लगी शटरिंग गिर गई, जिसमें 8 मजदूर नीचे दब गए। वहीं सूचना मिलते ही बाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम का हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसी ताजा तरीन खबरें लाते रहते हैं। तो ये थी आज सुबह की ताजा तरीन खबरें। ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जाने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।